हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय चैनल हिंदी टेक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि स्टोरी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर के बारे में। यानी कि हम लोग आज न्यूज़पेपर की जो भी स्टोरीज होती होंगी, जो भी आप पढ़ते रहते होंगे, जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, या कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। न्यूज़पेपर अधिकतर जो भी है सभी लोग पढ़ते हैं, और सभी लोगों ने न्यूज़पेपर की जो भी है स्टोरीज को पढ़ाई होगा, जैसे कि किसी के घर में चोरी हो गई, ठीक है। तो अब उसकी जो भी पूरी है, तो पूरी स्टोरी जो भी होगी उसको किस तरीके से न्यूज़पेपर में रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से उसको उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाया जाए, जिससे कि जो भी रीडर्स है, पढ़ने वाला जो भी है, उसको इंटरेस्ट आए और वो आगे जो भी स्टोरी है उसको पूरा पढ़े, ठीक है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि स्टोरी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर, किस तरीके से आपका न्यूज़पेपर जो भी है उसका स्टोरी किस तरीके से आप लिख सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं रीडर्स के लिए, जिससे रीडर्स जो है आपकी स्टोरी को पूरा पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग कुछ 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्टोरी को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है, रीडर्स के पढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया भी है कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो कि मीडिया की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज वेल एज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनके एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है ये भी सिलेबस में है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया के फील्ड में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, आपका फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, ठीक है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर के कुछ वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी लोगों के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टोरी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आज मैं आप लोगों को 7 पॉइंट्स बताऊंगा, उसमें से फर्स्ट पॉइंट आपका जो है, सबसे पहले तो हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फर्स्ट आपका पॉइंट है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेक हेडलाइन शॉर्ट एंड स्नैपी। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपका ये है, मेक हेडलाइंस शॉर्ट एंड स्नैपी। यानी कि फ्रेंड्स, जो आपकी हेडलाइंस होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए न्यूज़पेपर लिखते टाइम में, जो भी आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए, जिससे कि जो भी रीडर है वो आगे की स्टोरी आपको पढ़ के दिखा सके। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास में भी एक न्यूज़पेपर है। सो यहाँ पर मेरे पास में भी एक, सो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूज़पेपर है, जैसा कि आपको भी मैं स्क्रीन के सामने दिखा देता हूँ इस न्यूज़पेपर का कटिंग जो भी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही मेरे सामने एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज लिखी है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक में भी है कोरोना का खतरा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से मॉर्निंग वॉक में भी कोरोना का खतरा है, तो इस चीज को बताया गया है। तो यहाँ पर जो ब्लैक पेन से लिखा, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है, बोल्ड है, वो क्या लिखा हुआ है कि मॉर्निंग वॉक में भी है कोरोना का खतरा। यानी कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, यानी कि जो भी मॉर्निंग वॉक्स करते होंगे उन सभी के लिए बहुत ज्यादा ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने जो कि इसको आगे पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा शॉर्ट में बता दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, एक मुहावरा भी पढ़ते होंगे, जैसे कि गागर में सागर भरना, ठीक है। गागर में सागर भरने का यही मतलब है कि आपकी जो हेडलाइंस होनी चाहिए वो एक तो शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में लिखी होनी चाहिए, ऊपर से उसका जो भी अर्थ है पूरा ऐसा निकले कि आप जो भी आपने पूरा लिखा हुआ है, उसका बनाया हुआ है स्टोरी जो भी पूरी है, उसका पूरा का पूरा निचोड़ आ जाए उसमें, ठीक है, आपकी हेडलाइंस में ही, जिससे जो भी रीडर है उसको आगे पढ़ना चाहे, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाना है आपको, जो भी हेडलाइंस आपको बनानी है, जो भी हेडिंग्स बनानी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो भी रीडर है वो आगे की स्टोरी को पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसा लिखा भी है कि मॉर्निंग वॉक में भी है कोरोना का खतरा, इस तरीके से है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, यानी कि क्या बात लिखी हो सकती है, तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहेंगे। सो आई होप कि आपको इस पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मेक हेडलाइन शॉर्ट एंड स्नैपी। किसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कि आप किस तरीके से स्टोरी स्ट्रक्चर करेंगे न्यूज़पेपर को लिखने टाइम, कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे,
तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो यही लिखना ही है कि मेक हेडलाइन शॉर्ट एंड स्नैपी, कि जो भी आपकी हेडलाइंस होनी चाहिए वो शॉर्ट में और स्नैपी यानी कि बुद्धिमान पूर्वक और तर्क पूर्वक दी गई होनी चाहिए। आप जल्दी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट बताया क्या गया, सेकंड पॉइंट हमारा है कि इन द फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस सम व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो सेकंड पॉइंट है वो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि आपको जो भी इन द फर्स्ट सेंटेंस, अब देखिए अगर आपने कभी भी स्टोरी का जो भी हेडलाइंस पढ़ी, हेडलाइंस को पढ़ने के बाद में आप क्या जो भी हो आपका फर्स्ट पैरा होता होगा उसी को तो पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पैराग्राफ जो कुछ भी लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक वही जो भी मॉर्निंग वॉक में भी है कोरोना का खतरा, ये आपने हेडिंग पढ़ी, उसके बाद में फिर आप क्या पढ़ते हैं इसका जो भी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स का कहना है फिलहाल पार्क में योग और एक्सरसाइज करने से बचें, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करते समय गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं ये आपका क्या है, ये आपके फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस है, आप इसको फर्स्ट पैरा मान सकते हैं। अगर ये इंटरेस्टिंग होगा तो आपको और भी ज्यादा नीचे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आपने हेडलाइन को पढ़ा, उसके बाद में जो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, और उसके बाद में अगर आपने उसको भी इंटरेस्ट आया, उसमें भी जो भी रीडर है उसको उसमें भी इंटरेस्ट आया, तो फिर वो आगे और ज्यादा पढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज बताई गई कि इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको पूरा सम अप करना है, यानी कि हर एक चीज को सम अप करना है कि क्या स्टोरी, किस बारे में स्टोरी है, किस चीज के बारे में स्टोरी है। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि डॉक्टर्स का यही कहना है कि अभी फिलहाल मॉर्निंग वॉक करने से बचें, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा इस जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया इसका पूरा बात क्या कहने का अर्थ है, इसका यही अर्थ है कि आप जो भी डॉक्टर्स हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप अभी मॉर्निंग वॉक करने से फिलहाल बचें, ठीक है। तो ये चीज है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस सम अप व्हाट द स्टोरी इज अबाउट, यानी कि स्टोरी किस विषय में है, किस बारे में है, ये आपको सम अप करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जैसा कि लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स एक और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक बटन जो है उसका थोड़ा सा यूज करिए, ठीक है, जिससे क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है बनाने में वीडियो को और बहुत मेहनत भी लगती है। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट है जो भी हमारा स्टोरी स्ट्रक्चर है किस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि जो भी आपकी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट शुड बी इन द थर्ड पर्सन एंड द पास्ट टेंस, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये चीज ध्यान में रखिए कि जो भी आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट यानी कि जो भी आपकी रिपोर्ट है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एग्जांपल लेकर के किसी के भी घर में चोरी हो गई, ठीक है। तो अब किसी भी के भी घर में चोरी हुई तो ये क्या है, पूरी रिपोर्ट तो जो भी जर्नलिस्ट जो भी आपका वो है लेने के लिए जाएगा, रिपोर्ट लेने के लिए जाएगा, तो आपकी क्या होगी, पूरी रिपोर्ट की होगी, ठीक है। तो रिपोर्ट शुड बी इन अ थर्ड पर्सन एंड द पास्ट टेंस। अब थर्ड पर्सन का क्या मतलब है, आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। सो फ्रेंड्स उन सारे स्पीचेस में आप लोगों ने एक चीज भी पढ़ी होगी कि आई जो होता है, ठीक है, आई वी, ठीक है, उसके बाद में आपका फर्स्ट पर्सन भी आता है आई वी, ठीक है, सेकंड जो आपका पर्सन है वो क्या आता है यू योर्स, ठीक है, इस तरीके से आप लोग पढ़ते होंगे। उसके बाद में थर्ड पर्सन हमारे बहुत सारे आते हैं
जैसे कि आपका आ गया कि ही आता है, ठीक है, सी आता है, इट आता है और दे। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ के रखी होंगी ऑलरेडी, टेंथ क्लास नाइन्थ और एट स्टैंडर्ड से ही आ जाती हैं सारी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत छोटे से आ जाता है, सिक्स सेवन से ही, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, ही सी इट दे, ठीक है, यू, ये हमारी क्या आती है, थर्ड पर्सन होती है। तो यही चीज बताई गई यहाँ पर कि जो आपका रिपोर्ट है वो थर्ड पर्सन में होनी चाहिए, थर्ड पर्सन में, ठीक है। और साथ ही साथ में पास्ट टेंस, यानी कि जो भी आपकी जो हो चुका है ना, ठीक है, अब ये हो तो रहा नहीं या होने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो जो भी आपकी रिपोर्ट है चोरी हो चुकी है ना, तो पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस में आपको ये चीज बतानी हो और आपको थर्ड पर्सन में बतानी, यानी कि उनके घर में या फिर वो राम लाल थे, इस तरीके से जो भी आपका थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, या किसी का नाम या फिर उसको उसने दे, ठीक है, इट, इस तरीके से करके आपको बताना है। तो आई होप कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है जो वो ये आता है कि यूज अ फोटो विथ अ कैप्शन टू अ रीडर्स मोर इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो आपको ये लिखना है कि आपको किस तरीके से आपको कैप्शन जो है एक फोटो का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई यहाँ पर, आप लोगों ने भी देखी कि मॉर्निंग वॉक में भी है कोरोना का खतरा, यहाँ पर आप देखिए कि दो लोगों का मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर नीचे छोटा सा लिखा भी हुआ है कि सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग, ठीक है, तो दो लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और इस चीज को दिखाया गया है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर जो भी फोटो है, फोटो से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अगर फोटो नहीं होगी तो उससे क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आएगा, केवल ऐसे ही डायरेक्ट तरीके से लिखा हो तो क्या होगा, थोड़ा सा कम इंटरेस्ट भी आएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी फोटो है, फोटो से आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। यूज अ फोटो विद अ कैप्शन टू गिव द रीडर्स मोर इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, जो भी रीडर्स है पढ़ने वाला है उसको इंटरेस्ट भी आता है और उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे कि किसी के घर में, मैंने आप लोगों को बताया, चोरी हो गई या फिर कोई छत से गिर पड़ा या कुछ इस तरीके से कोई सी भी घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होता है उसकी हम लोग फोटो दिखाते हैं ना कि ये इस तरीके से हुआ, तो उससे क्या होता है जो भी रीडर्स है पढ़ने वाला है उसको ज्यादा ऐसा लगता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको और बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। देख करके ही कुछ लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये देखो कितना बड़ा है या किस तरीके से, किस तरीके से गिरा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं कि आपको फोटो भी यूज करनी चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि फोर्थ पॉइंट के बाद में मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा, वैसे तो मैं BA पार्ट थर्ड के लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और BTech वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए भी ये आता है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर से नोट डाउन भी कर सकते हैं जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा ही जरूर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट शुड बी फिल अप, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट should be filled with both facts and opinions. Okay, so यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि newspaper report should be filled with both facts and opinion, यानी कि जो भी लिखने वाला है रिपोर्ट, जो भी रिपोर्टर है, जो भी लिखने वाला है उसको फैक्ट्स के बारे में तो बताना ही है, ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में तो बताना है, इसके साथ ही साथ अपने खुद के भी वो ओपिनियंस वगैरह रख सकता है, उसके क्या विचारधारा है और क्या क्या वो सोचता है इसको भी वो आराम से बता ही सकता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, फैक्ट्स भी होना चाहिए और साथ ही साथ में ओपिनियंस भी होना चाहिए, ओपिनियन भी लगा होना चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज किस तरीके से वो जो भी है वो अपना भी ओपिनियन रख सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे जो भी है कि आपका जो भी आर्टिकल है, ठीक है, न्यूज़पेपर का, यहाँ पर नीचे आप देखिए जो भी कुछ डॉक्टर्स की राय दी गई है, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण कटियार एंड डॉक्टर मनमीत सिंह जी ने इस तरीके से
कुछ अपने बारे में बताया है कि उन्होंने जो भी बताया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, फैक्ट हो गया। अब देखिए इसी के बगल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉक के लिए बाहर जाते समय ये सावधानियां बरतें, ठीक है, फुल आस्तीन के कपड़े पहन करके निकले, बाहर जाए तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों कि अपने खुद के वो ओपिनियंस रख रहा है, इसके साथ ही साथ में वो अपने खुद के क्या फैक्ट्स भी बता रहा है, फैक्ट्स यानी जो उसको फैक्ट्स मिले डॉक्टर्स की तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट्स, दोनों चीजें इंक्लूड है न्यूज़पेपर रिपोर्ट को लिखते टाइम, कि फैक्ट्स भी लिखना है आपको और साथ ही साथ में ओपिनियन को भी बताना है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसकी तरफ देख लेते हैं। सिक्स नंबर पॉइंट, अब हम लोगों के दो पॉइंट और बचे हैं, सिक्स और सेवन, इन दोनों से हम लोग समझ लेंगे और भी ज्यादा बेटर तरीके से। सो ये हमारा सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट में क्या है कि यूजिंग कोट्स टू मेक आ रिपोर्ट मोर इंटरेस्टिंग, ओके। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो आपका जो भी रिपोर्ट है, यानी कि जो भी आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर आप कोट्स का यूज करते हैं, यानी कोटेशंस वगैरह लिखते हैं, इससे क्या होता है जो भी रीडर्स है उसको बहुत ही ज्यादा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्टिंग लगती है उसको रीडर्स को पढ़ते टाइम, ठीक है। तो कोट्स का यूज अगर जहां तक संभव हो सके वहां तक न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखते टाइम बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए एक छोटी सी मैंने रिपोर्ट ली हुई है, वही चीज है, यहाँ पर देखिए कहीं भी शायद पूरे उसमें कहीं भी कोट्स वगैरह नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लिखा भी हुआ है कि संभलना है डरना नहीं, ठीक है, संभलना है डरना नहीं, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इससे क्या एक गुड इफेक्ट आ रहा है और रेड कलर से हाईलाइटेड है, ठीक है, तो इससे क्या एक गुड लुकिंग और गुड इफेक्ट आ रहा है, पढ़ते टाइम में ज्यादा एक इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ते टाइम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं सेवन नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, और इस तरीके से हम लोग को आज जानेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, किस तरीके से स्टोरी स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेवन नंबर पॉइंट है वो आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि स्प्लिट न्यूज़पेपर रिपोर्ट अप इनटू पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स ये लिखा है, ठीक है, फिर टू हेल्प द रीडर क्लियरली अंडरस्टैंड एंड इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देते हैं IMFORMATION इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या एक पॉइंट बताएगा कि स्प्लिट न्यूज़पेपर, स्प्लिट का क्या मतलब होता है दोस्तों कि विभाजित करना, यानी कि डिवाइड करना, ठीक है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, जो भी न्यूज़पेपर का आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जो भी स्टोरी आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर की जो भी आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं उसको क्या किसमें पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, यानी पैराग्राफ्स में अलग अलग करके डिवाइड करना है, जिससे कि जो भी रीडर है उसको पढ़ने में आसानी हो, टू हेल्प द रीडर्स क्लियरली अंडरस्टैंड एंड इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो भी रीडर है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड हो और उसको इंफॉर्मेशन भी मिले। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि कानपुर देश में लगातार कोरोना आउटब्रेक मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक, इस तरीके से ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद में देखिए आपका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें इस तरीके से हेडिंग भी लिखी हुई है कि नंगे पांव सैर ना करें, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर आपका लिखा क्या हुआ है कि 5 फीट की दूरी मेंटेन करें,
ठीक है, उसके बाद मास्क लगाकर दौड़ने से बचें, और पोल और झूलों के पोल से रहें दूर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, जो भी आपका पूरा आर्टिकल है बहुत ही अलग अलग के पैराग्राफ्स में डिवाइड है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड किया है अलग अलग पैराग्राफ्स में। सो आई होप कि आपको इस सारी जो भी चीजें हैं, 7 पॉइंट्स हैं, तो ये भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7th वाला पॉइंट, कि हर एक जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी आपकी रिपोर्ट है, उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए, और हर एक पैराग्राफ के ऊपर हल्की सी एक छोटी सी हेडिंग बता देनी चाहिए, जैसे कि इसमें बताया गया है, जिससे और भी ज्यादा इंटरेस्ट आए पढ़ने के समय। और आई होप कि आपको फिर समझ में आ गया होगा वही बात कि 7 पॉइंट्स मैंने बताया, 7 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, बता देता हूं अभी से कि रेडियो एंड टेलीविजन के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि रेडियो एंड टेलीविजन से रिलेटेड उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या चीज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अगर नहीं भी पसंद आता तो डिसलाइक भी कर दीजिए, सब चलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।